हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन ब्लैक स्वान परफॉर्मेंस। बीटीएस की लाइव परफॉर्मेंस है, उसके अंदर लोग सॉन्ग गा रहे हैं, ब्लैक स्वान, लाइफ गोज ऑन एंड डायनामाइट। लाइफ गोज ऑन डायनामाइट, ब्लैक स्वान परफॉर्मेंस ऑन लाइफ गोज ऑन। ऑन सॉन्ग भी गा रहे हैं क्या? ऑन डायनामाइट, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहा है ब्लैक स्वान परफॉर्मेंस ऑन लाइफ गोज ऑन एंड डायनामाइट 2020 MMA। ठीक है, और ये मुझे सेंड किया था इंस्टाग्राम के ऊपर टीनी बनी। यस, थैंक यू सो मच टीनी बनी, आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड किया उसके लिए। एंड हम लोग थोड़ा लेट हो गए आपकी रिएक्शन, आपकी रिक्वेस्ट पर वर्क करने के लिए, उसके लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली हम लोग ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का, लेकिन इतनी सारी रिक्वेस्ट होती है तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। एंड सॉरी अगेन। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। बट उससे पहले क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक, चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को मारो पंच, उसके पास में जस्ट गो एंड ओपन योर इंस्टाग्राम, सर्च डांस आइकन 28 एंड 40। यस, ओके। एंड राहुल राशि, सॉरी राशि राहुल, जल्दी सर्च करो एंड करो सर्च फॉलो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर करो फॉलो। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्या था ये यार, सीरियसली नेक्स्ट वन को there.
जब पता है म्यूजिक को फील करके उसके अंदर इतना डूब जाते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में लोगों को कभी इमोशनल होना होता है तो इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ स्वैग दिखाना होता है वहाँ स्वैग, जहाँ पे मतलब फनी होना होता है जहाँ फनी, मतलब अलग ही स्वैग है लोगों का, सब चीज़ में डल जाते हैं। हाँ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेज करते अपने आप को। ऑन वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, मैं ये सोचा था ऑन भी हो इसके अंदर और फाइनली ऑन है इसके अंदर, ये एक नंबर स्टार्टिंग है इसकी, ये एक नंबर स्टार्टिंग है ऑन की। मेरा तीसरा चौथा वीडियो ये जो मैंने रेट किया था, लोगों के डांसिंग लेवल इस लेवल का नहीं बोल सकता, बैकग्राउंड डांसर ने इतना प्यारा निभाया था ना, सब चीज बता रहा बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा शोर रोड क्या इनकी मिलता, मैं आगे देखा नहीं ना फोन अभी ऑफिशियल नहीं मिलेगा, बहुत मैं आई सिग्नल टेस्ट है।
परफॉर्मेंस में बताया था ना इक्विलिब्रियम लाइव, हमने लास्ट टाइम जो परफॉर्मेंस देखा ना वो ये था उनके हाथ में, अपने देखा था उसके अंदर वो था ना ब्लड प्रूफ और जंप उनका था ना लाइफ सिलेक्शन किया था ना उसके अंदर ये था आर्मी भी दे BTS ऑक्सीजन ऑफ आर्मी चेंज कर दिया उसका पूरा यार अभी दे क्या बनाए आई थिंक मैं मे बी कौन सी गलती का मैं आई डोंट नो पूरा ये है मेरे हिसाब से हां BTS BTS आया तो पूरा प्यार मिला सब तरह से आई थिंक कारण पूरा मैं सेटअप अच्छा था ना यार अभी चेंज हो रहा है यार स्टार्टिंग में लाइव गोस ऑन स्टार्टिंग तो एकदम आई लव दिस सॉन्ग ये स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया तो उन लोगों कोविड के लिए कोविड के बनाया कोविड के लिए कोविड को लेकर आज लोगों को जो लाइव थी ना कोविड मुझे लग ही रहा था मेजर बी है बी ग्रीन सपना लगी इतना सेक्सी लग रहा I love his cuteness, yeah. Handsomeness overload. अरे लोग पता है ये इतना क्यों अच्छा कैसे है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझ नहीं आता बॉक्सेस बने हुए यस कितना सॉफ्ट है मुझे स्वीट एंड सिंपल मतलब लाइक पता ना कि दिल लग जाता है मतलब सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ अगर एकदम बंद हो जाते ऐसा मतलब ऐसा हो जाएगी अब बंद क्यों हुआ वो वाला अभी अभी का है लाइव परफॉर्मेंस जैसे इसलिए शायद यहाँ पे आर्मीज नहीं है ओके तब ऑनलाइन से ऑनलाइन ऑनलाइन से देखें हाँ ऑनलाइन से कॉमेंट कर देखें हाँ ये लोग कितना मिस कर रहे होंगे सच्ची ये लोग बहुत मिस कर रहे होंगे आर्मीज को बहुत मिस कर रहे होंगे आई थिंक हेवी यार मेरे हिसाब से मे बी नहीं BTS का साइन वी लिखा रहा है वी भी है लिखा हुआ है वहाँ पे वी दिस इज डायनामाइट यस माय फेवरेट सॉन्ग Let's rock and roll. King Kong, king the drum, running all like a rolling stone.
See sun when I'm walking on, jump up to the telephone. They don't call me on my phone, they stay and I get my ping pong. पीछे पीछे से साइंस, मुझे तो साइंस से भी लोग नहीं, किस किस को साइंस से प्यार है कमेंट करके बताओ। कैसे करूं, बहुत ही बहुत सारी चीजें उसको मैं समझ नहीं आ रहा, निकालूं कैसे, बताऊं कैसे तुम लोगों को, सीरियसली बता रहा हूं गाइस, आई एम इन लव यू नो की वॉइस, नो की डांसिंग स्टाइल। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि यार लाइव डांस करना अलग मैटर करता है, लाइव सिंगिंग करना अलग मैटर करता है। कोई मतलब मैं मानता हूं कि लाइव डांस करना और लाइव सिंगिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग करते हैं, लेकिन डांस और सिंगिंग दोनों लाइव करना ये एक, और वो भी कंटिन्यू, वो भी कंटिन्यू विद उसी एनर्जी के साथ जो स्टार्टिंग से करा है उन्होंने एंड तक, एंड तक। हम लोग करते हैं डांस लाइव है ना, हम लोगों ने बहुत स्टेज परफॉर्मेंस की, बट हम लोग सिर्फ डांस करते हैं, बट हम लोगों की फिर भी हालत ऐसी हो जाती है कि जाते हैं वो यार, लोग लगता ही नहीं है यार ऐसा, अपन लोग सिंगिंग नहीं करते, जबकि हम सिंगिंग नहीं करते उसके बाद भी ये एनर्जी। मुझे सबसे मतलब मेरा फेवरेट पार्ट यार, मतलब कोई एक रीजन होता है यार कि किस चीज़ की वजह से, वो मेरा आज मेरे साथ में बताता हूँ कि मुझे ना सबसे जब मैंने यू नो मेरे को भावना दीदी ने बॉय विथ लव लाइव परफॉर्मेंस बताई थी है ना, मुझे बॉय विथ लव लाइव परफॉर्मेंस बताई थी, तो मेरे को मैंने बोला भी था भावना दी को कि भावना दी अपन ऑफिशियल एमवी देखते हैं, तो मुझे भावना दीदी ने बोला कि नहीं तू एक काम कर बॉय विथ लव लाइव परफॉर्मेंस देख, तुझे बहुत सब कुछ समझ में आएगा है ना। तो मुझे मैंने लाइव परफॉर्मेंस देखी बॉय विथ लव की, सो मुझे मतलब ऐसा ही लगा था कि
मतलब ये ऐसा चल रहा है कि ट्रैक प्ले कर दिया एंड डांस कर रहे हैं. अच्छा ट्रैक पे कर रहे हैं और मतलब खाली और ओनली डांसिंग प्ले कर दिया एंड डांसिंग चल रहा है, ओनली डांसिंग चल रहा है. बट मुझे ड्यूरिंग वीडियो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा थोड़ा फील हुआ कि यार ये लाइव तो मतलब ये ट्रैक व्रैक प्ले नहीं हो रहा है. बट मैं उस टाइम में भी कंफ्यूज था क्योंकि मैं BTS को उतना अच्छे तरीके से जानता नहीं था. मैंने आर्मी ज्वाइन करी थी एंड थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज भी होता था मेंबर्स को लेकर कि ये फैक्ट बता रहा हूँ गाइस है ना, आप मतलब इसको नेगेटिव में मत लेना बट जो भी फैक्ट बता रहा हूँ है ना. तो मैंने मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ कि यार क्या हो रहा है ये थोड़ा सा लाइक लाइव परफॉर्मेंस से मैं ट्रैक पे कर. बट मुझे बीच बीच में ऐसा लगा कि यार नहीं ये खुद ही गा रहे हैं, खुद ही गा रहे हैं. मतलब फिर मुझे भावना देवी ने एक्सप्लेन किया कि भूवी ये लाइव खुद गाते हैं है ना, उन खुद ही कर. तो भाई मैं बताने जा रहा हूँ मेरे गूज़बम्प्स होते ना, ओ माय गॉड, मतलब ऐसा हो गया था मैं कि यार ये क्या था, इतना कोई कैसे कर सकता है उस एनर्जी के साथ में उस लेवल के साथ में. एंड आई लव दिस वीडियो, थैंक यू सो मच. क्या नाम था? टिनी बनी. थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन, आपने मुझे सेंड किया और भी मुझे सेंड किया था. मे बी शायद विभिन ने सेंड किया था. विभिन तुम्हें भी थैंक यू सो मच, मुझे अब अचानक याद आया तुमने भी सेंड किया था. यस सॉरी फॉर दैट है ना. आपका फेवरेट सॉन्ग फेवरेट पार्ट कमेंट करो जल्दी से. मेरा फेवरेट सॉन्ग डायनामाइट ऑन द लाइव गोज ऑन. ब्लैक स्वान भी बहुत अच्छा था. ब्लैक स्वान की स्टार्टिंग यार, क्या ब्लैक स्वान की स्टार्टिंग क्या थी. मैं सोचा यार कुछ और चीज थी पर मतलब इसमें लगा कि हाँ भाई स्पेस के अंदर है. हाँ ऐसा बोले पूरा सेटअप सेटअप पूरा ऐसा यूनिक सेटअप था. स्टेज पे लगे हाँ स्टार्टिंग करा स्टार्टिंग क्लाउड्स और है ना, मतलब मैं उसका स्पेस टाइप का देन सडनली स्टेज पे आया वो मैं शॉक्ड हो गया. और ये क्या था है ना, शॉक्ड हो गया बंदों को ये क्या. और उसको यार वो सबसे वो पानी के अंदर जो था, पानी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते बता रहा हूँ क्योंकि टेल उठ नहीं सकते. बहुत प्रैक्टिस होती है, बहुत ज्यादा वाली प्रैक्टिस. मतलब आप सोच नहीं सकते उतनी रिहर्सल करनी होती है जब जाके तो मतलब हाँ, कौन सी स्टेप कैसे करनी है, क्या स्लिप हो गया पैर स्लिप हो गया पैर के वो पानी के अंदर. वैसे पैर उठ नहीं सकते ना टाइम पर क्योंकि पानी के अंदर वो आपको एक बीट के ऊपर लेग्स को ऊपर करना है, किक करना है, कुछ भी करना है. आप उस पर करने के लिए आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको रिहर्सल करनी पड़ेगी. और वाह वाह मुझे लग रहा था अमेजिंग था. वन बाय वन मतलब पहले वन सिंगल कर रहा था, फिर टू टू के साथ में कंबाइन में हुए. मुझे लगा कि LED वॉल है नीचे लाइक उसके ऊपर कर रहे हैं. नहीं वो रियल पानी था. रियल पानी था. 3D लाइक है ना, 3D लाइक जैसे. हाँ ऐसा लग रहा था, ऐसा लगा. पर बट जैसे ही थोड़ा मतलब थोड़ा सा पानी वानी उछला था, आपको लगा कि वो ये तो पानी के अंदर था. एंड वो स्टंट्स भी कर रहे थे उसके अंदर भी. तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. बहुत होती अलाउ दिस पार्ट कि वो लोग इतनी मेहनत करने के बाद में इतने अच्छे से करते हैं. सीरियसली गाइस मतलब इसको ना मैं अब मैं देखता रहूँगा ऐसे परफॉर्मेंस को. जब भी मेरा दिल करेगा ना कि मैं कहीं पे हूँ, मेरा मन कर रहा है या मैं मतलब ऐसा कुछ भी हूँ, मैं इस वाले सॉन्ग को प्ले करूँगा, इस वाले वीडियो को देखूँगा बस. बिल्कुल ब्लैक स्वान का मैंने ऑफिशियल MV पे भी डेट कर रखा है, ऑन के भी ऑफिशियल MV पे डेट कर रखा है. लाइव गोज़ ऑन पे नहीं किया मे भी, बट उसको हम लोगों ने लाइव परफॉर्मेंस पे कर रखा है शायद एक दो है ना. एंड डायनामाइट भी कर रखा है. अगर आपने नहीं देखे जल्दी से जाओ वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर देखो, आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके वीडियो को जल्दी देखो. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक आर रिएक्शन तो क्या करना है, करना है वीडियो को लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और हमें फॉलो करेंगे, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. ओके ओके सो बाय बाय, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. वी पर्पल यू गाइस.